सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। एक जिज्ञासा यह आई है कि काम क्रोध मोह लोभ से मुक्ति का प्रयास भारत की मनीषा का रहा, आज सुरक्षा की बातें क्यों हो रही? सुरक्षा की बात आज नहीं, सदैव से रही है। सुरक्षा तो सबसे प्रमुख विषय है। कब ऐसा रहा है कि जब सुरक्षा नहीं चाहिए मनुष्य को? सदैव सुरक्षा की बात होती है। पहले तो अस्तित्व है, जीवन है, इसके बाद ही फिर आप काम क्रोध लोभ मोह से ऊपर उठेंगे। बचेंगे तभी तो फिर काम क्रोध लोभ मोह की बात उठेगी, उनसे मुक्ति का प्रयास करेंगे आप। पहले तो बचना ही जरूरी है। रही आज की बात, तो आज जो है खतरे बहुत ज्यादा हैं, बहुत तरीके से लोग मर रहे हैं। बहुत पुराने समय में देखेंगे तो लोग भाषा के कारण किसी को नहीं मारते थे जान से, आज मार रहे हैं। बहुत पहले देखेंगे तो वो धर्म के कारण जो है नहीं मारे जाते थे। वह नहीं था कि इनका यह मत है इसलिए इनको जान से ही मार दिया जाए, तो ऐसा नहीं रहा। तो मत के कारण, धर्म के कारण पहले नहीं मारा जाता था, क्योंकि उसको जो है व्यक्तिगत तो विषय माना जाता था कि कैसे वह व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करता है और किस तरह से धारण करता है, अपनी भावनाओं को, और कैसे जो है अपने मुक्ति का प्रयास में लगा रहता है। तो वह उसका निजी मामला था, उसके कारण उसको नहीं मारा जाता था। किसी कालखंड में मान लीजिए ऐसा रहा है या सच है कि असुर सब जो थे वे कुछ सताते थे, लेकिन उसके कारण उसको खत्म नहीं किया जाता था, और बहुत छिटपुट घटनाएं हुआ करती थी कि भिन्न मत है तो उसको। लेकिन आज के समय में तो है कि भिन्न मत है तो बहुत तरीके से ट्रॉल करके और उसको मतलब उसका पीछा करके हर स्थिति में उसको धन संपत्ति में नुकसान करके, उसके घर वालों को नुकसान करके, उसको नुकसान करके ये किया जाता है। इसीलिए आज सुरक्षा की बात बहुत महत्वपूर्ण है, पहले भी थी महत्वपूर्ण। तो पहले तो आपको खुद बताना है, अपने को अपना अस्तित्व तो बचाना है भाई। बचोगे तभी कुछ करोगे। और पहले तो सब लोग अस्त्र शस्त्र भी रखते थे बचाने के लिए अपने को। अब तो अस्त्र शस्त्र के लिए भी सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा, सबको लाइसेंस नहीं मिल रहा है। तो किसी न किसी तरह से आपको वो अस्त्र शस्त्र रखना पड़ेगा, अपने को ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। राह चलते खतरे हो रहे हैं। पहले लोग बाहर तो कम निकला करते थे, इतने नहीं निकलते थे, अपने गांव गिराव तक ही सीमित रहते थे, जो कि उसका सुरक्षित इलाका हुआ करता था। अब तो असुरक्षित इलाके में, यहाँ तक कि विदेश में भी बहुत ज्यादा लोग जा रहे हैं। पहले यात्रा बहुत कम होती थी, क्योंकि यात्रा के साधन भी उतने नहीं थे। अब तो बहुत साधन हो गए हैं, तो उन साधनों से भी खतरे हैं और विदेश में भी खतरे हैं, मत मतांतर की वजह से भी खतरे हैं। आजकल तो युद्ध ही हो रहे हैं, उसके नाम पर भी युद्ध हो रहे हैं। तो कई कई विचारधारा के नाम पर युद्ध चल रहे हैं। तो सुरक्षा आज सबसे बड़ी समस्या है, जो निर्दोष लोग हैं उन्हें भी लोग आजकल मार दे रहे हैं, टारगेट बना दे रहे हैं। कुछ लोग तो पैसे लेकर के ऐसा कर रहे हैं, यानी किसी के लिए यह आजीविका का विषय हो गया है कि किसी को जाके मार देना है, किसी ग्रुप को भी मार देना है। तो
इस तरह की बातें पहले उतनी नहीं हुआ करती थी कि मात्र मार देना आजीविका का विषय नहीं था। आज तो आतंकवादी गिरोह है, इनके लिए मारना जो है आजीविका का विषय है। तो इसलिए सुरक्षा आज सबसे महत्वपूर्ण है। और सुरक्षा में भी तो मैं कहूँगा कि हिंदुओं को अपने सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा, अन्यथा नष्ट हो जाएंगे। चारों ओर से आक्रमण हो रहे हैं, सभी मत मतांतर वाले आक्रमण कर रहे हैं। तो आपको अपने शास्त्र के ज्ञान से भी लैस होना है, क्योंकि वह भी एक तरह से सुरक्षा का विषय है। यदि आप नहीं काउंटर कर पाएंगे तो आपके अस्तित्व को, आपकी पहचान को मिटा दिया जाएगा। और जो फिजिकल वेपन है उसे भी रखना है। हालांकि दूसरे लोग कहेंगे कि अरे ये तो जो है हिंसक प्रवृत्ति है, तो आप उससे घबराइए मत, उस ट्रोलिंग से मत घबराइए। आप यह मत सोचिए कि हमको वो लोग हिंसक कहेंगे, नहीं, आपको कहने दीजिए, क्योंकि आपके भय से ही वह आपके पर आक्रमण नहीं करेगा। यानी आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि आपको मारने में डरे, आपके पर आक्रमण करने से डरे। अगर शेर के पास नाखून नहीं होते, दांत नहीं होते, तो उसको तो मारने देते लोग। हर प्राणी के पास कुछ ना कुछ विशेषता होती है जिससे वह अपनी सुरक्षा करता है। हर प्राणी अपनी सुरक्षा के लिए सजग रहता है। तो इसी तरह से आपको भी सजग रहना है, यानी सोचना है कि सामने वाला क्या कहेगा। इसीलिए वह आपका प्रथम दायित्व है अपनी सुरक्षा करना। और अपनी सुरक्षा के लिए किसी को मार देना भी कानूनन अपराध नहीं माना जाता। कानून ने भी आपको, आपकी सुरक्षा के लिए आपको छूट दी है। तो इसलिए अपनी सुरक्षा का ख्याल खुद रखें, और मात्र पुलिस या मिलिट्री के भरोसे नहीं रहें, या किसी पार्टी के भरोसे नहीं रहें। हर समुदाय को, हर समाज को और हर परिवार को, हर व्यक्ति को अपनी सुरक्षा का ख्याल खुद रखना चाहिए। दूसरे करेंगे वह तो अतिरिक्त है। आप अपने लिए क्या करते हैं? क्या आप अपनी सुरक्षा की जिम्मेवारी दूसरे को दे देंगे? तो फिर आप खतरे में हो जाएंगे, क्योंकि दूसरा हर समय आपके साथ रह ही नहीं सकता, और अगर रह गया तो पूरा भरोसे कभी नहीं हो सकता। इसीलिए स्वयं ही आप अपने कुल वंश परिवार स्वयं को बचा सकते हैं। तो इसके लिए आपको काफी सजग रहना चाहिए। तो सुरक्षा की बातें हैं आज इसलिए हो रही है क्योंकि चारों ओर असुरक्षा का वातावरण है, इसमें कोई दो राय नहीं। हरिओम।